राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बूंदी के केशव राय पाटन में मंगलवार को अपने जन्मदिन के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर सियासी हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि मैं 36 कौम को साथ लेकर चलने में विश्वास करती हूं। राजनीतिक जीवन में मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन मैं ना कभी झुकी हूं और ना ही आगे कभी झुकूंगी। जो उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने कहा सबका कल्याण, शांति, सद्भाव और संपन्नता से प्राप्त जो खुशहाली है, वो खुशहाली के समर्थक, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, नेता और कार्यकर्ता हजारों की तादाद में पहुंचे। इस तरह राजे ने विरोधियों को सियासी ताकत दिखाकर अगले विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भर दी है। यहाँ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। वसुंधरा ने कहा कि पीएम मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। अगर आप लड़ोगे तो आपस में दीवार खड़ी हो जाएगी। राजनीतिक जीवन में मुझे काफी संघर्ष देखने को मिला है। विकट समय में राजस्थान की जनता मेरे साथ खड़ी रही। उन्होंने कहा कि 2003 में रिकॉर्ड मत और 120 सीटें बीजेपी को पहली बार प्रदेश में मिली थी। इससे ज्यादा प्रेम 2013 में मिला और रिकॉर्ड 163 सीटें हमें मिली थी। 3 का आंकड़ा बीजेपी के लिए शुभ है। पूर्व सीएम से मिलकर बधाई देने वालों को आज तांता लगा रहा। कई नेता पहले ही यहाँ पहुंच चुके थे और कई के यहाँ आने का सिलसिला जारी रहा। दोपहर तक बधाई देने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा सांसद और विधायक पहुंचे। करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया, अजमेर भागीरथ चौधरी, भरतपुर सांसद रंजीता कोहली, विधायकों में केशव राय पाटन विधायक चंद्रकांत मेघवाल, लाड़पुरा से कल्पना देवी, खानपुरा से नरेंद्र नागर, डग से कालूलाल मेघवाल, मनोहर थाना से गोविंद रानीपुरिया, छावड़ा से प्रताप सिंह सिंघवी, बत्तीलाल मीणा, मंगलाराम कोहली, धर्मेंद्र मोची, सांगानेर से अशोक लाहोटी, अलवर शहर से संजय शर्मा, सांगरिया गुरदीप सहनी, आसिन रामलाल, फुलेरा से निर्मल कुमावत, मारवाड़ जंक्शन निर्दलीय MLA खुशवीर सिंह, ओम प्रकाश हुडला और कई बड़े नेता और कार्यकर्ता वसुंधरा को बधाई देने के लिए केशव राय पाटन पहुंचे। धौलपुर से भी करौली सांसद मनोज राजौरिया और वसुंधरा गुट के कार्यकर्ता केशव राय पाटन पहुंचे। बीजेपी नेता बाचाराम बघेल भी अपनी टीम को लेकर केशव राय पाटन पहुंचे और वसुंधरा राजे को बधाई दी। कई बार धर्म के नीति पर चलने वाली व्यक्तियों को प्रॉब्लम होती है ना, कई बार धर्म के राह पे चलने वाले लोगों को बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी कठिनाइयों को उनको उनका सामना उनको करना पड़ता है। भगवान ऐसे लोगों की परीक्षा जरूर करता है, परंतु मैं आपको ये बता दूं कि उसका बड़ा दिल है, वो अंक भी देता है और आखिर में पास भी जोरों से कराता भी है। इसलिए ईश्वर के ऊपर विश्वास करना और उसके पथ पे चलना ये बहुत हम सबके लिए जरूरी है। आप देख लीजिए 2003 में प्रदेश में ऐतिहासिक 120 अंक से हम लोग जीत के आए, फिर 2013 के अंदर उससे भी जोरदार जीत हुई, एक ऐसी अभूतपूर्व जीत हुई जिसके अंदर 163 अंक से हम लोग जीत करके आए। धौलपुर में दुबरा गांव के पास मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए। आलू की खुदाई कर घर वापस लौट रहे थे मजदूर। धौलपुर सदर थाना क्षेत्र के दुबरा गांव के मोड़ के पास आलू खुदाई कर लौट रहे मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। दुर्घटना में 5 महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इसके साथ ही करीब आधा दर्जन मजदूर हल्के चोटिल भी हुए। सभी घायलों को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मनिया थाना क्षेत्र के बिपरपुर गांव निवासी 1 दर्जन से अधिक महिला पुरुष मजदूर गांव दुबरा में आलू फसल की खुदाई करने आए थे। मंगलवार देर शाम सभी मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर घर वापस जा रहे थे, लेकिन गांव से निकलते ही मोड़ पर ट्रैक्टर ट्रॉली बेकर पलट गई। घटना में 18 वर्षीय रेनू, 19 वर्षीय पिंकी, 35 वर्षीय नीरज, 40 वर्षीय मछला, 40 वर्षीय श्रीमती एवं 45 वर्षीय विद्या घायल हो गई। घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। दुर्घटना को देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने ट्रॉली के नीचे फंसे हुए मजदूरों को ट्रॉली से बाहर निकाला एवं एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। क्या बात हुई? काम करके आ रहे थे दूबरा से। आप क्या काम करते हो? आलू बीनते हैं। ठीक है, फिर वो मालिक था, वो बहुत नशे में था। अच्छा,
तो हमने उससे मना भी करी थी, भैया आराम से ले चल ट्रैक्टर। अच्छा, लेकिन उसमें आना ही नहीं था, उसने एकदम रेस दी, सुई पंट गया था वहीं पे, मोड़ था दूबरा का मोड़। अच्छा, आप कितने लोग थे वहाँ? 20। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 1 में पानी की किल्लत दिन प्रतिदिन गहराती जा रही है। इस समस्या के चलते कॉलोनी वासियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पानी की समस्या के चलते धरना प्रदर्शन किया। वार्ड नंबर 1 के कॉलोनी अम्बेडकर नगर, प्रकाश कॉलोनी, राज बिहार, घोसला बिहार, गेंदागिर, माधवानंद कॉलोनी, हुंडावालपुरम, शांति नगर, महाराणा प्रताप के सभी कॉलोनी वासियों ने काफी संख्या में इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों ने बताया कि वार्ड नंबर 1 में पानी की पाइपलाइन बिछ चुकी है और कॉलोनी वासियों ने करीब 200 फाइल कनेक्शन हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग धौलपुर में करीब 3 महीने पहले जमा करा दिए, लेकिन फिर भी अभी तक कॉलोनी में पानी की समस्या को दूर नहीं किया गया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कई सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। साथ ही हमने कई बार जलदाय विभाग, विधायक एवं प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी नेता ने कॉलोनी की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। कॉलोनी वासियों का कहना था कि कॉलोनी में लगे हेडपंप कुएं सूख चुके हैं और टैंकरों द्वारा निजी खर्चे पर 500 रुपए प्रति टैंकर के हिसाब से पानी मंगवाने के लिए दूर होना पड़ रहा है। कॉलोनी में गरीब तबके के लोग निवास करते हैं, जिनके लिए 500 रुपए प्रति टैंकर के हिसाब से पानी डलवाना संभव नहीं है। मौके पर पार्षद गुरप्रीत कौर संधू, भवन सिंह, शिवचरण पंडित जी, पार्षद प्रत्याशी अजय बिलोनिया, अमरीश, बीरेंद्र, ओम प्रकाश, योगेश, लक्ष्मण सिंह, शिवेंद्र परमार, भूपत राम, महेश चंद, यतेंद्र त्यागी, मुकेश कुमार, रामधर गुर्जर, रवि मल्होत्रा, बबलू, शेखर राहुल, मनोज बहादुर एवं काफी संख्या में कॉलोनी वासी उपस्थित रहे। मेरा नाम अजय बिलोनिया है, वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ मैं, और काफी सालों से हमारी कॉलोनी में पानी की समस्या है, जिसकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। कई नेताओं को, कई लोगों को हमने अवगत कराया है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमें थकार कर इस समय हमें यहाँ पे आना पड़ा कलेक्टर को धरना देने के लिए। आप सभी से विनती है, नेताओं से विनती है कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। आज जौली थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक ट्रक 12 चक्का बिना नंबरी टाटा कंपनी में गाय व बैल भरे हुए हैं, जो धौलपुर की तरफ से आ रहे हैं। इस सूचना पर ASI द्वारा मैं जाप्ता की नाकेबंदी शुरू की गई, तो नाकेबंदी को देखकर नाकेबंदी स्थान से करीब 100 से 150 मीटर पहले ही ट्रक को छोड़कर भाग गया। ट्रक को चेक किया गया तो ट्रक के अंदर 16 सांड ठूस ठूस कर भरे हुए थे। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। ट्रक से बरामद गौवंशों को सश्रम गौशाला मसूरा बाड़ी भेजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के परिसर में महिला कर्मचारियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने महिला कर्मियों को महिला दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नई सदी की नारी के पास कामयाबी के उच्चतम शिखर को छूने की अपार क्षमता है। दृढ़ इच्छा शक्ति एवं शिक्षा ने नारी मन को उच्च आकांक्षाओं, सपनों के सप्तरंग एवं अंतर मन की परतों को खोलने की नई राह दी है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने महिला कर्मचारियों से उनकी समस्याएं जानी और घर परिवार में पूरा सामंजस्य बिठाते हुए बच्चों को अच्छी शिक्षा व संस्कार देने की बात कही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक ने जिला पुलिस की सभी महिलाओं को आधा दिन का विशेष अवकाश तोहफा में दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने महिलाओं को अपने बच्चों को प्रारंभ से लड़का लड़की में भेद न करने की शिक्षा दी। CEO सिटी मनिया दीपक खंडेलवाल ने कहा कि समाज में महिलाओं की पुरुषों के समान भागीदारी ने उन्नति के मार्ग को तेज किया है। उप निरीक्षक मंजू फौजदार ने कहा कि महिलाओं को शिक्षा व अपनी प्रतिभा के दम पर समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। इस अवसर पर लतेश हेड कांस्टेबल, कृष्णा हेड कांस्टेबल, प्रतिभा कांस्टेबल, बीनेश कांस्टेबल, मुन्नी कांस्टेबल ने भी अपने विचार रखे। समाज सेवी एवं स्कूल संचालक लोकेश राजपूत ने अपने निज निवास गोकुल चंदन बिहार कॉलोनी बाड़ी रोड धौलपुर पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्मदिन केक काटकर तथा लोगों को मिठाई बांटकर की। अवसर पर उनकी दीर्घायु से भगवान से कामना के बाद मचकुंड पहुंचकर जानवरों को चारा तथा बंदरों को फल खिलाए। इस अवसर पर दिग्विजय सिंह राजावास, श्यामू शर्मा, विराट ठाकुर, योगेश ठाकुर, जीतू, दुष्यंत सक्सेना, कृष्ण राजपूत, वैष्णवी राजपूत मौजूद रहे। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बट्टीकरा में वार्षिकोत्सव एवं पूर्व छात्र सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जिसकी अध्यक्षता प्रधानाध्यापक केशव दयाल मीणा ने की। दीप प्रज्वलन बटीकरा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि परशुराम मीणा के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीईओ बिसौली हेमराज मीणा रहे। अतिथियों में शंकर सिंह, राजेश शर्मा, राधेश शर्मा, रमुआ बाडपंच, महेश मीणा, रामराज मीणा, महेंद्र सिंह मीणा एवं जितेंद्र मीणा उपस्थित रहे। मंच का संचालन धर्मेंद्र कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान नृत्य संगीत जैसी प्रस्तुतियां दी तथा मंच के द्वारा प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानाध्यापक केशव दयाल मीणा, वरिष्ठ अध्यापक रामशाही मीणा, गंभीर सिंह, मनोज शर्मा, राजकुमार प्रजापति, धर्मेंद्र कुमार, जितेंद्र मीणा, विनोद कुमार, दिग्विजय सिंह, मोनिका मीणा आदि लोग उपस्थित रहे।